मुजफ्फरनगर में कचहरी परिसर स्थित जिला पंचायत सभागार में पोषण सप्ताह के तहत पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इसके तहत एक जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कुपोषित बच्चों को हाइजीन किट का वितरण किया गया। कार्यशाला में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे। ये मुजफ्फरनगर जिला पंचायत के सभागार में पोषण सप्ताह चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे, उसके लिए विशेष अभियान चल रहा है। हमारे द्वारा भी, हमारे अधिकारियों के द्वारा भी, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी और समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा भी बच्चों को गोद लिया गया है, जिसमें प्रति बच्चा लगभग 500 रुपये का प्रति माह का खर्च उसके अंदर आता है। वो बच्चों की पोषण किट हम सबके द्वारा, सरकार के द्वारा दी जाती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2025 तक कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे, इस संकल्प के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी आंगनवाड़ी बहनें, हमारी आशाएँ और हमारे डॉक्टर्स, हमारे DPO, ये सब मिल करके इन सब जो कुपोषित बच्चे हैं इनको पोषण किट बांट रहे हैं, ये बच्चे स्वस्थ हों, इस संकल्प के साथ लगातार सरकार काम। हमारा ये कार्यक्रम पोषण पखवाड़ा जो चल रहा है, ये तीन मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा और पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इसमें हम जो है श्री अन्न के बारे में बच्चों के लंबा सैम की पहचान के लिए, मैनेज उनके मेजरमेंट के लिए, इन सब पे हम काम कर रहे हैं। हमारी आंगनवाड़ी, हमारा डिपार्टमेंट मिल के कुपोषण दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग गृह भ्रमण करके अनेक एक्टिविटीयां निर्धारित की गई हैं। सभी कन्वर्जेंस विभाग मिल के अपनी एक्टिविटियाँ करते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं।